May it please your lordship. Yes. My lord, this is an application under section 438 CRPC. Yes. The applicant is the mother-in-law of the deceased. My lord, the offences are 306, 498A. Yes. Now, my lord, so far as 498 is concerned, there is no allegation, my lord, that there was any demand of dowry. When marriage took place? 2015. 2015? Yes. And he died on 29/7/23 after 8 years. What is allegation against you? वो सर allegation ये है कि जब इसकी शादी हुई थी तो 2015 में भी इस लेडी ने एक बार उसके हस्बैंड के लाइफ टाइम के दौरान she tried to commit suicide my lord. Abatement का क्या है? What is? Abatement का भी कुछ नहीं है. Yes state. उनका कहना है कि उसके नाम की property हमने अपने नाम करा ली. सर इसमें एक मिनट मैं I will submit. Yes. 2021 में इसके हस्बैंड की डेथ हुई. Yes. तो 2021 में ये जो फादर इन लॉ है उसने इसके हस्बैंड के नाम पे एक प्रॉपर्टी दान करी थी अपने बेटे के नाम. Yes. वो बहू के नाम आ गई. वो प्रॉपर्टी हमको कमर्शियल यूज करनी थी, इट्स अ जॉइंट फैमिली मैनर. तो हमने उस प्रॉपर्टी को एक गिफ्ट डीड से बहू के नाम से सास के नाम करा दिया एप्लीकेंट के नाम, और इसका फिर कमर्शियल एग्रीमेंट कर दिया, वो मैंने फाइल किया है. Now she was having serious health problem, my lord. हमने इसमें document लगाए कि even death के एक महीने पहले तक हम भंडारी hospital में उसका treatment करा रहे थे. Now उसकी death के 2 महीने पहले हमने 50 लाख की property उसके नाम. इसका नाम क्या है deceased का? Deceased का नाम पूजा है. My lord, में see page 22 of my application. Yes. 4/5/23 को हमने एक sale deed, एक property उस बहू के नाम ही खरीदी हम. और ये 2021 की से जो गिफ्ट डीड है, कभी कोई एलिगेशन नहीं है 2 साल में 3 साल में कि हमारी प्रॉपर्टी हमारे नाम से, हमारी बेटी की प्रॉपर्टी आपने अपने नाम क्यों करा ली. 4 महीने बाद ये एफआईआर प्रॉपर्टी खरीदी. वेयर इज डॉक्यूमेंट? दैट इज पेज 22 मैन. सेल डीड है हमने, और ये साथ रह रही है हमारे छोटे बेटे के बच्चों के साथ, इसके बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं. और माय लॉर्ड में सी पेज 22, दिस इज द सेल डीड. यस. ये हमने बहू के नाम खरीदी डिसीज के ही नाम. शी वाज विडो, शी वाज विथ अस. और जो प्रॉपर्टी इसके हस्बैंड के नाम की थी, जो इसके नाम पे आई, वो गिफ्ट डीड 2021 में करी सास के नाम. अब ये कहते हैं कि हमारी बहू बेटी के नाम की प्रॉपर्टी ये अपने नाम पे इन्होंने हड़प ली और उसको परेशान करते थे, बाद में इन्होंने शिकायतें करना. आज भी 50 लाख की प्रॉपर्टी उसके नाम पर है जो हमने मई में खरीदी. 32 लाख की है. हाँ, ये जॉइंट देखिए सर, मेरे बड़े बेटे, छोटे बेटे और पूजा के नाम पर ये प्रॉपर्टी हमने खरीदी. एंड इट इज May 23, two months बिफोर हर डेथ. व्हाई वी वुड बाय दैट? क्या कहना है आपको सर? मैंने ऑब्जेक्शन फाइल किया है. फादर ने सर सब जगह कंप्लेंट की है सर. उसकी लड़की को पहले से ही परेशान करते थे. ये एफआईआर में ये स्टेट जस्ट और पुलिस अधीक्षक आईजी सब जगह उसने दिया है सर. और एट प्रेजेंट कोर्ट तो क्या करते थे सर जी? मैं पढ़ के बता रहा हूँ. ये स्टेट सर, ये 2014 में हुई थी. पिताजी का जो है बयान है, बयान में ये आया है कि ये परेशान करते थे. क्या करते थे परेशान? ये सर मैं इनका बयान पढ़ के नहीं आए क्या? पढ़ के आए. तो इसमें ये है कि ये ताने वगैरह देते थे कि मेरे लड़के को खा लिया. तो उसके बाद इनको अबेटमेंट ये है कि ये कहते थे कि मर जाती तो अच्छा होता. पढ़िए. चौदहवें रीति रिवाज से हिंदू रीति रिवाज से गणेश डांगा हुआ था. पूजा के दो बच्चे, लड़की माही उम्र 7 वर्ष एवं लड़का पार्थ 3 वर्ष. पूजा के साथ उसके ससुराल के पति देवर राहुल डांगे देवरानी सास ससुर रहते थे. मेरी नाती पार्थ के जन्म के समय मैंने मेरी लड़की पूजा के पूरे परिवार लोगों के साथ के लिए मान के कपड़े एवं 1 लाख रुपए दिए थे. वर्ष 2021 को मेरे पूजा के पति मेरे दमान गणेश डांगा ग्रह नर्मदा नदी में न्यावर क्षेत्र में पानी डूबने संदिग्ध मृत्यु हो गई थी. न्यावर क्षेत्र में विधायक आशीष शर्मा के द्वारा मेरी पुत्री को क्षतिपूर्ति राशि भी प्रदान की गई थी. जो मेरे दामाद गणेश बीमा की राशि मेरी लड़की पूजा को मिली थी उसको दवा बनाकर उसके देवर राहुल ने रख लिए थे. मेरे दामाद के नाम पर छोटी हरदा में
एक शोरूम था, वह शोरूम मेरे दवान की मृत्यु होने के बाद पूजा के नाम पर आ गई थी, जिसको पूजा दान पत्र ले करवाकर उसकी सास सावित्री बाई के नाम पर कर लिया। मेरे दामान गणेश की मृत्यु के बाद पूजा की सास सावित्री बाई, पूजा का देवर राहुल और पूजा की देवरानी भगवती बाई बर्ताव के अंतर आ गया। तभी तीनों मिलकर मेरी बेटी के साथ नौकरों जैसा व्यवहार करने लग गए थे, और जिससे घर का पूरा का करवाते थे। इसके साथ गाली गलौज एवं शब्दों का अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते। दामाद की मृत्यु के बाद से पूजा के पास कोई पैसा नहीं रहता था। उसके ससुराल से उसे कोई पैसा नहीं देते, इससे वह अपना और अपने बच्चों का रोजमर्रा का आवश्यक चीजें नहीं खरीद सके। मेरी लड़की पूजा के दोनों बच्चे भी पूजा के देवर देवरानी और सास भड़काते रहते और उल्टी पट्टी पढ़ाते रहते थे। पूजा से मेरी जब भी बात होती वो पूजा बताती थी कि ससुराल के पास उसका देवर राहुल देवरानी भगवती और सास सावित्री परेशान करते। तो मैंने मेरे समधी दिनेश डांगा से इस विषय को लेकर बात करी तो उन्होंने तीनों को समझाया, लेकिन वे तीनों नहीं मानते। पूजा की भी अपने पति के साथ ये लिखा है कि तू अभी भी अपने पति के साथ मर जाती तो अच्छा होता। दिनांक 27/7/23 में मैंने फोन पर पूजा से बात की तो उसने बताया मेरे देवर राव पति के साथ मर जाती तो डिफरेंट है। पति ने भी सर सुसाइड करने के लिए नहीं बोला सर, ये परेशान करते थे। और आगे बढ़े 27/7/23 के मैंने फोन पर पूजा से बात की तो उसने बताया मेरा देवर राहुल सास सावित्री बाई और देवरानी भगवती मुझसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आप आ जाओ मैं परेशान हूँ। और मैं मेरी पत्नी गेंदाबाई तुरंत राता तलाई से पूजा से ससुराल छोटी हैदरा पहुंचे तो मोटरसाइकिल पूजा की दादी सास के यहाँ रखे। पूजा के ससुर दिनेश डागा के आने पर उनके साथ पूजा के घर गए। जब मैं और मेरी पत्नी पूजा के घर पहुंचे तो राहुल सावित्री भगवती हमसे कहा कि घर पे कदम मत रखना। इस बात पर दिनेश डांगर इन्हों को डांटा, फिर डांटा भी था। दिनेश डांगर ने आवाज देकर पूजा को बुलाया तो पूजा ने आकर बताया तीनों ने मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, पहले से भी मेरे साथ लोन के कागज और केसीसी के कागज का दस्तखत करा लिए थे। ने मुझे बताया कि इन तीनों ने मुझे बहुत परेशान एप्लीकेंट हैज फाइल्ड फर्स्ट एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 438 ऑफ सर मेरा भी सर जो भी एप्लीकेशन दी है सर पुलिस स्टेशन ऑफेंसेस काउंसिल अपीयरिंग फॉर एप्लीकेंट सबमिटेड दैट नो ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड इज मेड आउट अगेंस्ट द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट इज मदर इन लॉ फुल स्टॉप। सर थाना प्रभारी को गणेश वाज मैरिड, सन ऑफ एप्लीकेंट वाज मैरिड टू डिसीज्ड पूजा। After his death, some properties was purchased in name of Pooja by applicants. It is further submitted that Pooja was living along with applicants and he was looked by applicants and other family members. Her children were also being educated by applicants. In these circumstances, no case is made out. Applicant be released on anticipatory bail. Government advocate as well as counsel appearing for objector opposed the application for grant of bail. It is submitted that applicants was forcing the sir, deceased to transfer the property through gift deed. Sir, my request it for... is further submitted that Pooja was also being harassed by the applicant for transfer of property and she was unable to manage herself and her children. She was also taunted to die. In these circumstances, she may not be granted anticipatory bail. Heard the counsel for the parties, considered the statement of father of the deceased. Considering the same, application is dismissed. Mother of Sahib. For a moment, mother, this mother, he has made. I have heard. 2 months after he has made this allegation. And my lord may see, just before her death, even husband has committed suicide, my lord. Her properties were being transferred. She was sir, not having any money with her. Sir, ये 2 महीने बाद इन्होंने and he was also taunted. My lord, may see, 2 महीने बाद इन्होंने पुलिस को देना शुरू करे letter. No course was open to her. My lord, may kindly. But please. Only to commit suicide. No, my lord, it is in fact it is a wrong allegation. So I'll consider regular bail. Not anticipated. Let the investigation be complete. Yeah. Or if my lord may direct my lord to consider my application, I'll surrender. So you surrender, then Pal court will definitely consider it. My lord. Yes. Number 21.